मैं रेडी कमांडो के लिए तब से था जब से हमने कमांडो की शूटिंग शुरू की थी। मतलब अच्छी बात यह है कि कमांडो बिल्कुल पास आ गई है, 12 अप्रैल को कमांडो रिलीज़ हो रही है और जिस तरह का हमें रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को एक्शन देखने की बहुत उत्सुकता है, मैं बहुत खुश हूँ। ज़रूर हम लोग कल एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट करने वाले हैं और हम हिंदुस्तान के हर शहर में जाके अब स्त्रियों को एक्शन सिखाएंगे और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाएंगे। हाँ, मैंने एक्चुअली कमांडो में जो हमारी हीरोइन है उनको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं कमांडो के दौरान। तो जब आप पिक्चर देखेंगे आप सीखेंगे कि एक लड़की क्या क्या कर सकती है एक फाइट की सिचुएशन में। आजकल लेटेस्ट ही हो गया कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ लड़कियाँ बोलती हैं सर प्लीज़ सेल्फ डिफेंस सिखा दो। तो ये सबसे आसान तरीका है मुझसे बात करने का और आप किसी को नहीं भी नहीं कह सकते हैं, बट रिस्पांस बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बाहर जाता हूँ कि कहीं पे भी हूँ, जैसे एयरपोर्ट पे भी होता हूँ तो पुलिस ऑफिसर आते हैं और यहाँ पुलिस के लोग आते हैं, हिंदुस्तानी आर्मी के लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि उन्होंने कमांडो का ट्रेलर देखा है और वो बहुत खुश हुए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। सी, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी थी कि कमांडो का ट्रेलर एक्सेप्ट कर लिया गया था। 20 लाख से ऊपर यूट्यूब पर हिट्स हो चुके हैं, लोगों ने 20 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नर्वसनेस अभी तक तो नहीं है, बट जैसे जैसे 12 अप्रैल पास आएगी तो तब पता लगेगा नर्वसनेस कितनी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 12 अप्रैल को कमांडो रिलीज़ हो रही है और हम लोगों को एज सच कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हिंदुस्तान की ऑडियंस को बहुत उम्दा समझता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे फोर्स में पसंद किया, इसलिए आज मुझे हीरो बनने का चांस मिला है। तो मैं उनकी क्षमता को कभी डाउट नहीं करूँगा और मुझे लगता है उनको अगर एक्शन देखना होगा तो एक्शन देखेंगे, उनको और कुछ देखना होगा तो वो सब देखेंगे, और अगर उनको जो भी देखना होगा देखेंगे। दरअसल मैंने फॉलो तो बहुत पहले, मुझे विनोद खन्ना जी बहुत पसंद थे, वो भी पहले विलन में ही शुरू किए थे फिर उन्होंने हीरो बने हैं। मगर मुझे अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी मुझे बहुत पसंद है, इतने विशाल शरीर के बाद वो इतनी अच्छी एक्शन करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे ऋतिक रोशन मुझे बहुत फिट लगते हैं। पूजा चोपड़ा हैज़ बिन मिस इंडिया 2009 और काफ़ी तलाश के बाद उन्हें कमांडो के साथ एक लड़की मिली जिनकी तलाश थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो नई है और वो बहुत मेहनती हैं, जैसे हर इंसान जो नया होता है पूरे जोर से काम करता है, तो कमांडो में तो उन्होंने बहुत दिलो जान से काम किया है एंड रिस्पॉन्स भी अच्छा है। हमारा सावन बेरी जो गाना है कमांडो का, रोमांटिक सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, लुट जाओ अच्छा चल रहा है, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बुलेट राजा तिग्मांशु धूलिया की जी फिल्म है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं तिग्मांशु धूलिया जैसे ब्रिलियंट डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। वो भी एक्शन फिल्म है और जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या आप एक्शन करना चाहेंगे, जी हाँ मैं एक्शन करना चाहूँगा, मगर इस बात का वादा करता हूँ कि हर एक्शन फिल्म आपको पहले वाली से ज़्यादा उम्दा लगेगी। तिग्मांशु धूलिया मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट जीनियस डायरेक्टर्स हैं, उनको प्रोडक्शन डायरेक्शन के अलावा एक इंसान को पहचानने की कद्र है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी तक मेरी शूटिंग शुरू नहीं है उनके साथ, मगर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि सैफ बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और सोनाक्षी इस समय नंबर वन स्टार चल रही हैं। तो सी, सैफ इज़ अ स्टाइलिश गाय एंड जिस तरह से वो स्टाइल को कैरी करते हैं काफ़ी कम हिंदुस्तानी कर पाते हैं, तो मुझे लगता है वो काफ़ी स्टाइलिश है। मेरा जैसे लोग पूछते हैं कि ड्रीम रोल कौन सा है, मैं हर बार बोलता हूँ कि कमांडो, क्योंकि कमांडो में मुझे वो सब करने को मिल रहा है जो कभी हिंदुस्तानी सिनेमा में हुआ नहीं है, क्योंकि कमांडो की वो क्षमता होती है कि एक फिजिकल एबिलिटी को पार कर दे, एक कमांडो वो सब कर सकता है जो हम सोच सकते हैं। तो मुझे अच्छा है कि मौका दिया गया है कि मैं कमांडो प्ले कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत अच्छी तरह से प्ले किया।